तो दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग जो है इंडियन आइडल को अगर देख रहे थे तो रितु रिवा के लिए देख रहे थे, क्योंकि वो हमारा फेवरेट बन चुका था, हमारे दिल में वो असर करता था, हमारे दिल में वो घर करके बैठ चुका था, और उसके लिए ही हम में से बहुत सारे लोग इंडियन आइडल देख रहे थे। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो तो इंडियन आइडल को इसलिए भी पसंद करने लगे थे क्योंकि उसमें नॉर्थ ईस्ट से एक जो लड़का है रितु रिवा, अरुणाचल प्रदेश का लड़का, वो जाकर के उन लोगों का दिल उसने जीत लिया था और वो पूरे नॉर्थ ईस्ट का नाम रोशन करेगा, ऐसा हमें उम्मीदें थी। लेकिन हमारी उम्मीदें जो है वो टूटती सी हमें नजर आ रही हैं। आज के इस वीडियो में हम रितु रिवा के एलिमिनेशन से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे गाइज, और कुछ डिस्कशन करेंगे, सोचेंगे कि भाई आखिरकार रितु रिवा को क्यों मंच से जो है निकाल दिया गया, क्या इसके पीछे कोई चाल है, क्या इसके पीछे कोई दिमाग है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं जो हमारे दिमाग में है, चल रही हैं गाइस। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप चाहते हो मुझसे बातें करना, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, वहां पर मैं रिप्लाई देता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और साथ साथ भाई अगर आप चाहते हो मेरे ब्लॉग्स देखना तो आप मेरे ब्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला कि जो रितु रिवा है वो हमारे दिल में घर कर चुका है, और रितु रिवा के सिंगिंग के लिए ही हम में से बहुत सारे लोग इंडियन आइडल देख रहे थे, हम में से बहुत सारे लोग रितु रिवा के लिए ही इंडियन आइडल को देखने के लिए बैठते थे। उस समय पर टेलीविजन को जो सोनी चैनल है उस पर हम लगा देते थे ताकि हम रितु रिवा को जो है वो देख पाए। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि रितु रिवा जो है उसका जैसा टैलेंटेड सिंगर टॉप 14 में भी जगह नहीं बना पाया और उन्हें जो है एलिमिनेशन का सामना करना पड़ा, उन्हें इंडियन आइडल को छोड़ करके जाना पड़ा। ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। मुझे देखिए पर्सनली ऐसा लगता है कि जो हमारा रितु रिवा है ही इज वेरी टैलेंटेड, बहुत अच्छी क्वालिटी उसमें है, उसका जो टोनल क्वालिटी है, जो उसका गाने का अंदाज है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसके साथ साथ वो जो है वो एक ऐसा क्रिएटर है जिसे मैं आपको कहना चाहता हूं, जो खुद गाने बनाता है, कंपोज करता है और उसके बाद इतनी खूबसूरती से गाता है कि जो जजेस हैं उनके आंखों से आंसू निकल जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ऐसा सिंगर जो कि हम सबके दिल में राज कर रहा था, इतने लोग उसको पसंद करने लगे थे, वो सिंगर जो है इंडियन आइडल से आउट हो चुका है। और इंडियन आइडल में अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जो फेवरेट होते हैं, जिन्हें हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उन्हें निकाल दिया जाता है। तो क्या इंडियन आइडल जो है वो शो जो है इसमें इसी तरीके की हरकतें होती रहेंगी, जो कि हमें पसंद होता है कोई, उसे पसंद करने वाले को जिसे हम चाहते हैं कि ये इंडियन आइडल बने और हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा गाता है तो उसे आउट कर दिया जाता है? तो भाई ये जो है ना ये बहुत ज्यादा दुख देने वाली बात है। तो मैं तो मेरी तरफ से सजेशन ये रहेगा कि जिस तरह से पहले इंडियन आइडल हुआ करता था कि वोटिंग करते करते सबको आउट किया जाता था, या फिर अगर नहीं होता था तो नया ऐसा सिस्टम लाना चाहिए जिसमें क्या किया जाए, जो ये टॉप 15 बनाने का जिम्मा भी जो है ना वो पब्लिक के हाथ में दे दिया जाए, ताकि लोग जो है वो अपने वोट के दम पर किसी अच्छे टैलेंटेड लोगों को आगे लेकर के जाए। और मुझे नहीं लगता कि इंडियन आइडल के मंच पर ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि देखो भाई हम जो लोग हैं ना हमें पता नहीं होता है कि कहां पर सुर जा रहा है या लय जा रहा है या कहां पर क्या कमी है, क्योंकि हम लोग सिंगर नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि जजेस को कहीं कुछ कमी लगी हो, या फिर गाइस देखो ऐसा भी होता है, मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत सारे जो कंटेस्टेंट है ना उन लोगों को निकाल दिया जाता है, आउट कर दिया जाता है। लेकिन जब वो लोग जो है वो लोगों के दिल में बस रहे होते हैं, जो सिंगर जिनको बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे होते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा होता है, जिसकी वजह से जो है चैनल का टीआरपी, इंडियन आइडल का टीआरपी बहुत हाई रहता है जिस सिंगर की वजह से, ऐसे सिंगर को जो है वाइल्ड कार्ड एंट्री भी दिया जाता है गाइस। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, वाइल्ड कार्ड एंट्री भी दिया जाता है। आपने कई बार देखा होगा डांस शोज वगैरह में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाता है, और कभी कभी हमने देखा है कि इंडियन आइडल में भी कभी कभी नहीं बहुत बार ऐसे जो है वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हुई है। और उसके साथ साथ भाई हमने देखा है कि जो भी मैक्सिमम प्रोग्राम्स रहते हैं ना, जो रियलिटी शो होते हैं, उनमें वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती है। तो मुझे ये उम्मीद है, मुझे ये आशा है कि जो इंडियन आइडल का टीम है, अगर वो हम सब लोग इसी तरह से जो है रितु रिवा को प्यार देते रहे, तो उन्हें जो है वो वाइल्ड कार्ड एंट्री दे करके दोबारा से इंडियन आइडल के मंच पर लेकर के आया जाएगा और हम उस वक्त देख पाएंगे हमारे प्यारे रितु रिवा को। तो
तो इंडियन आइडल की पूरी टीम से, वहां के जो जजेस है ना, उन सब से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है प्लीज हमारे प्यारे रितु रिबा को वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू लेकर के आइए, क्योंकि हम जो है इंडियन आइडल देखते ही हैं रितु रिबा के लिए। हम सब चाहते हैं कि रितु रिबा इस शो में हो, और अगर रितु रिबा नहीं होगा तो हमें बहुत ही ज्यादा बुरा लगने वाला है। गाइस यही बताने के लिए वीडियो बनाया था, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आप मुझसे सहमत हो तो लाइक करके कमेंट करके आप क्या सोचते हो जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।